हेलो फ्रेंड्स, सारा दिन इंडियन कुजीन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के गुलगुले। इसे बनाने के लिए जिस सामान की जरूरत है वो इस तरह से है। ये है 250 ग्राम आटा, गेहूं का आटा है ये। 150 ग्राम लगभग गुड़ है, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 से 2 पिंच नमक और गुलगुलों को तलने के लिए कुछ तेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गुड़ को लेना है और किसी बर्तन में उसको भिगोना है। तो गुड़ हमने इसमें डाल लिया है और लगभग 1/4 ग्लास हमने पानी लिया है। इसको डालकर इसमें हम इसको कम से कम 1/2 घंटे के लिए भिगो देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा गुड़ अब घुल चुका है, 1/2 घंटा हो गया था इसको। अब इसको तो रखते हैं हम थोड़ा साइड में। अब लेते हैं हम एक बोल और इस बोल में हम ये आटा डालते हैं। ये आटा हमने छान लिया है, ये आटा डाल लेते हैं और इसमें ये सौंफ जो है ये भी डाल देते हैं। सौंफ डालने के बाद ये जो सोडा है इसको भी हम छानते हैं और ये नमक भी इसी में डाल देते हैं। हम दोनों चीज़ छान कर लेंगे। अब इसी में हम ये गुड़ भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको चम्मच से चलाते जाएंगे। इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए इस तरीके से। हमें इसमें ज्यादा एकदम गुड़ नहीं डाल देना है, थोड़ा सा डालेंगे फिर हम इसको चलाएंगे। फ्रेंड्स, हमने सारा गुड़ इसमें छान लिया है लेकिन अभी भी हमारा बैटर काफी गाढ़ा है, तो इसको पतला करने के लिए, क्योंकि हमें इसको पतला करना है, तो इसको पतला करने के लिए हम इसमें पानी मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, अगर एक साथ ज्यादा पानी डाल दिया तो इसमें गुड़ी रह जाएंगी। फ्रेंड्स, हमने ये बैटर घोल लिया है, इस कंसिस्टेंसी का ये बैटर बना है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अब इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसके गुलगुले बनाएंगे। अब हमारा बैटर अच्छी तरीके से तैयार हो गया, बहुत अच्छी तरीके से ये फूल भी गया है। अब हमें गैस पे कढ़ाई रखनी है जो हमने रख दी है, और पानी की सहायता से हाथ लगाकर हमें इसके गुलगुले बनाने हैं। तेल पे हमने हाथ लगा के देख लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम छोटे छोटे गुलगुले इसमें डालते हैं। और इसी तरीके से हमें चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तलना है। और इसको चलाते वक्त हमें गैस को मीडियम रखना है, ना ज़्यादा तेज हो और ना ही ज़्यादा कम। धीरे धीरे जब ये पकेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से रहेंगे ये सॉफ्ट। अब ये तले जा चुके हैं, अब इनको हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम दोबारा भी डाल देते हैं।
जो लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं उनको ये बहुत पसंद आते हैं। और गुड़ तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गुड़ के गुलगुले बनकर तैयार हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बड़े सॉफ्ट हैं। मैं तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।